हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज देखिए कितनी अच्छी हरियाली है यहाँ पे, जमुना जी के पास है। यहाँ गौशाला भी है। मैं मंदिर जा रही थी ना, तो रास्ते में यहाँ पे गौशाला है, गौशाला भी है ये देखिए, और जमुना नदी भी है यहाँ पास में पड़ती है। यहीं आई हुई थी मंदिर जाते जाते, तो मैंने कहा आपको भी अपने साथ दिखाती हूँ। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, और गौए तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही बातें कर रही थी, ऐसे लग रहा था मेरे साथ, और इतनी अच्छी सेल्फी खिंचा रही थी पूरी देख रही थी मुझे, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। मैंने आपके साथ शेयर किया ये मोमेंट इसीलिए। गाय देख भी रही है मुझे, मेरी वीडियो बना रही है आगे ध्यान कर मेरी वीडियो बन जाए। वो गाय कैसे देख रही है मुझे सेल्फी दी खिंचवा रही है अपनी सेल्फी सेल्फी खिंचवा रही है अपनी। सॉरी है ना, गैया गाय माता क्या हाल है? डांस पास बनानी आ गया। क्या हुआ, पसंद नहीं आ रहा वीडियो बनाना? फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कितनी हरियाली है, कितना अच्छा लगता है, इतनी फ्रेश एयर होती है पेड़ पौधों के बीच में, कितना अच्छा फील होता है, शांति भी लगती है और कितना अच्छा लगता है। ये देखिए हमारे यहाँ पर मेरे घर के पास ही जमुना नदी है, बिल्कुल यमुना जी जो रिवर है वो बिल्कुल मेरे घर के पास ही पड़ती है। कहीं भी आना जाना हो तो हमें इसे क्रॉस करके ही जाना होता है। मेरे साथ आप दर्शन कीजिए यमुना नदी के। तो यहाँ पे मैं ये आ गई हूँ गौरी शंकर मंदिर आज दर्शन करने के लिए। ये गौरी शंकर मंदिर है, चांदनी चौक दिल्ली में पड़ता है। तो यहाँ पर मैं दर्शन करने आ गई थी सुबह सुबह, बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पर। महादेव और माता पार्वती के दर्शन कीजिए, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है ये, बहुत मान्यता है इस मंदिर की भी। यहाँ पर भी मैं आती जाती रहती हूँ, महादेव से तो मेरी बहुत ज़्यादा आस्था है। देखिए कितने पास से आप दर्शन कीजिए, बहुत प्राचीन, बहुत पुरानी, हज़ारों साल पुरानी मूर्ति है, हज़ारों साल पुराना मंदिर है ये। मेरे साथ आप भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ मैंने फिर शिवलिंग पर चढ़ाया था जल, महादेव की पूजा करके मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा फील होता है, शीतलता आती है मन में, उन पर जल चढ़ाकर अच्छा फीलिंग आती है, एक अलग ही प्रभु के साथ हमारी अटैचमेंट होती है। जब हम उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो मन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। तो इसीलिए कहीं भी जाने से अच्छा है मुझे मंदिर गुरुद्वारे यहीं जाना, जब भी समय मिलता है मुझे घर के कामों में से थोड़ा निकालती हूँ मैं और मंदिर ज़रूर जाती हूँ। मंदिर जाने से ही मुझे अच्छी फीलिंग आती है, और कहीं जाकर या रिश्तेदारों से मिलके इतना अच्छा फील नहीं होता जितना अच्छा हमें भगवान से मिलके और मंदिर जाकर होता है। तो जब भी समय मिले मंदिर ज़रूर जाएं। अपनी ज़िंदगी में बदलाव अगर आपको देखने हैं, ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो बिना प्रभु के आशीर्वाद के कुछ भी नहीं हो सकता। अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ देना तो भगवान ने ही है, और जो भी देते आ रहे हैं वो भगवान ही दे रहे हैं, चाहे हम उनसे मांगे या ना मांगे। वो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं जो बिना मांगे ही हमें सब कुछ देते हैं। मेरे साथ आप दर्शन कीजिए, पूरे मंदिर के मैंने आपको दर्शन कराए हैं, प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा और प्रभु के सारे अलग अलग रूपों के दर्शन कीजिएगा। परमात्मा तो एक ही है, बस उनके रूप अलग अलग होते हैं। यहाँ मेरे साथ आप दर्शन कीजिए सभी भगवानों के, मन में एक अलग ही शांति का अनुभव होगा आपको। यहाँ मंदिर जाएं जाकर भी, और वैसे ही आप दूर से वीडियो भी देखेंगे तो बहुत आपको अच्छा फील होगा, पॉजिटिविटी आएगी। ईश्वर के दर्शन करके तो हमें हमेशा ही अच्छा लगता है,
यहाँ प्रभु के दर्शन करके मैं बाहर की तरफ आ गई थी। और बाहर की तरफ आते हुए ही इस मंदिर के साथ ही, बिल्कुल साथ ही, एक नरसिंह भगवान का मंदिर है। बहुत कम मैंने नरसिंह भगवान के मंदिर देखे हैं, उनका एक अलग 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 अवतार है ये भी। यहाँ पे छोटा सा मंदिर है नरसिंह भगवान का, ये देखिए, आप मेरे साथ दर्शन कीजिए भगवान नरसिंह के, और साथ में ही हनुमान जी भी हैं यहाँ पर। बस यहाँ पे भी मैं जब भी आती हूँ तो यहीं पास में ही है, दोनों साथ में ही मंदिर है, तो यहाँ भी दर्शन करते हुए ही जाती हूँ। सुबह सुबह का समय भगवान के साथ बिताएं तो कितना अच्छा फील होता है, थोड़ी देर ज़रूर समय निकालना चाहिए मंदिर जाने के लिए। देखिए मैंने बाहर अच्छे अच्छे चित्र बने हुए हैं भगवान के, तो यहाँ दर्शन करते हुए अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ। घर की तरफ ये बिल्कुल इसी मंदिर के साथ ही शीशगंज गुरुद्वारा भी है, दिल्ली में, पुरानी दिल्ली है ये, और यहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारा भी पड़ता है। इस गुरुद्वारे के दर्शन भी मैंने बाहर से ही मत्था टेक दिया था, क्योंकि देर हो रही थी सुबह, मुझे और भी काम करने थे, तो मैंने बाहर से ही माथा टेक दिया। फिर कभी आपको यहाँ के भी दर्शन करवाऊँगी। तो आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।